गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग अभी बज रहे हैं 6 और 6:30 बजे हम घर को छोड़ देंगे और हम एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। और अब मैं आपको सारी आज के दिन की चीजें दिखाऊंगा कि एयरपोर्ट पे क्या क्या फॉर्मेलिटीज है जो पूरी करनी है और क्या क्या चेंजेस अब हो चुके हैं पेंडेमिक के बाद, और मैं सब दिखाऊंगा आप लोग को। और जयपुर का एयरपोर्ट कोशिश करूंगा कवर करने के लिए और बैंगलोर एयरपोर्ट कवर करने की कोशिश करूंगा, दिखाऊंगा कि आप क्या चेंजेस हो गए हैं। तो एक चीज मैं और दिखाना चाहूंगा कि क्या हमने कैसे हम लोग ने अपने जो बैगेज टैग्स हैं वो लगाए हैं और क्या क्या चीजें हमने अपने सूटकेसेस पे लगाए, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और फिर एयरपोर्ट चलते हैं, दोनों एयरपोर्ट दिखाऊंगा, थर्ड पार्ट में अपना होटल कवर करूंगा ताज विलेज। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ये लगा दिया यहाँ पर बैगेज टैग्स, इस पे भी लगा दिए और हैंड बैग्स पे भी लगा दिए। तो ये हम लोग ने लगा दिए, बोर्डिंग पासेस हमारे पास हैं और हम चलते हैं एयरपोर्ट। आप लोग देख सकते हैं लोग आराम से फॉलो कर रहे हैं सारी गाइडलाइंस, और वो हमारा सामान है उसके आगे आप देख सकते हो। देन एयरपोर्ट इज़ नॉट दैट बिजी टुडे, आज काफ़ी खाली है और प्रॉपर डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही है। वहाँ पर भी आप देख सकते हो यहाँ पर सिक्योरिटी चेक और सब हो रहा है, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। यू गाइस कैन सी काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, पहले यहाँ बहुत भीड़ होती थी। तो बैगेजेस चले गए हैं, यू गाइस कैन सी बैगेजेस जा चुके हैं एंड नाउ अब हम लोग ऊपर आ गए हैं। तो जयपुर एयरपोर्ट थोड़ा आप लोग को दिखा दें, तो दिस इज बोर्डिंग नंबर 2 और 3। तो ये नीचे से जयपुर एयरपोर्ट पूरा, एंड यू कैन सी कि हर कुर्सी के बीच में, तीन कुर्सियां उसके बीच में क्रॉस लगा, उसमें आप बैठ नहीं सकते। सो ये तो अच्छा सिस्टम है। Wow, this is Primus Lounge. And ये lounge है। So there's one hand sanitizer machine over here. We will definitely use this machine in some time. अभी ज़रूरत नहीं है। And then this is the best part. This is the lobby. And I like this thing. Like this part of the airport a lot. Yeah, you can see. So, आप यहाँ खेल सकते हो कुछ अगर बोर हो रहे हो तो वॉशरूम वहाँ है। This is nice. If I go towards that side of the lounge, you can see कि वहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, वहाँ प्लेन्स होते हैं। तो दिस इज़ प्रिटी मच इट, यही है जो दिखाने लायक है, और कुछ है नहीं जयपुर एयरपोर्ट पे। इतना ही एरिया एक्सेसिबल है जहाँ पर हम घूम सकते हैं। एंड नाउ गोइंग बैक टुवर्ड्स द लॉबी, सो वी आर फाइनली ऑन द प्लेन नाउ। द नेक्स्ट स्टॉप इज बैंगलोर, देन गोवा। You see, I'm all dressed up, not for the party, but for the station. Our occasion calls for TTK. Please keep your small.
तो ये हम लोग बैंगलोर एयरपोर्ट पे आ गए हैं और आप देख सकते हो इट्स अ बिग एयरपोर्ट फॉर इट्स एसेंशियल सो यू कैन फाइंड ऑल द गुड ब्रांड्स आउट है टिफिन सेंटर एंड देन आई कैन सी शॉपर स्टॉप ओवर देयर टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइज दिस इज माई सेकेंड टाइम ऑन दिस एयरपोर्ट Fab India, Swarovski, Fossil, wow. So, got Tiffin Center over there. And, so it's a big airport. It's a very big airport and I have seen the entire airport last time when I was here. So there you can see Fossil. And, can see eat at Bangalore I had my coffee last time at Pure Gusto there to be very honest the coffee was not that good but because I was hungry so kaam chal gaya That coffee did the job. So you can see there are a lot of places to eat out there in this airport. So there are a lot of places where you can eat out here in this airport. And right from Eat at Bangalore, you have Altavira Italian Kitchen and Bar. So me and Ruchi thought last time that we would have pizza, but The queue was long, so we dropped the plan last time when we were here. Now we are at Shoppers Stop, and I guess the airport is endless. Wow, so we got Rado, Tissot, all the good brands, Fossil, then we got Relay. Last time when I was here, I purchased a book. And then Super Dry, yes. So I have three Super Dry t-shirts and all the three I have purchased from here. Then you got only. And as far as I can remember, must be a spa somewhere over there. I remember because I inquired about the rates last time. So you can see KFC for all the non-vegetarians. Yes. Oh, the outlet is temporarily closed. So it's endless. It's a big airport. You see. So it's a very big airport. It took Ruchi and me around 45 minutes to explore the entire airport last time when we were here. So you can see it's a big airport. Now I'm heading back towards where Ruchi is. And sorry for the haziness. I'm getting used to this. So now we got around 2 hours to spare. So we would probably do some shopping. We would eat. But before we look out for a place to eat, we have to sanitize ourselves properly. So I'm looking for a sanitizing machine. Could not find one yet. But last time I had my salad over there at Eat at Bangalore and it was pathetic they charged me heck lot of money for the quality they provided me the quality of salads so now I'm heading towards where I drop Ruchi and I guess this is it It's a big airport. I don't think so I'll be able to cover the entire one in 2-3 minutes. It's a big airport. But you can see it's a big airport. तो हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अब हम कुछ खा रहे हैं बिल्कुल सैनिटाइजेशन मेजर्स यहाँ फॉलो किए जा रहे हैं और हम लोग ने यहाँ कॉफ़ी ली है और एक बहुत ही घटिया सा सैंडविच मैंने ले लिया है अब उसको ख़त्म करना पड़ेगा ये है वो सैंडविच पनीर टिक्का सैंडविच कॉफ़ीज़ और पहले थोड़ी पेट पूजा तो हम यहाँ खा रहे हैं इस समय
सो फाइनली ताज वालों ने अपनी गाड़ी भेज दी है, हम लोग ने प्राइवेट कार ली है और ड्राइवर साहब बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने सब सामान खुद ले लिया हमसे और अब हमें पार्किंग में जाना होगा। हमारी कार आ गई है, ये हमारी कार आ चुकी है जो ताज वालों ने भेजी है और अब हम फटाफट से जाने वाले हैं अपने होटल में।